12 वोल्ट UPS बैटरी को रिपेयर कैसे करें। ये सीलेड या ड्राई सेल बैटरी होता है 12 वोल्ट, जो कि इसमें जितना भी चार्ज करें फुल डैमेज हो गया है, इसको रिपेयर कैसे करेंगे। अभी मीटर में हम चेक करके आपको दिखाएंगे, इसमें बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं है। वोल्टेज दिखाता है अभी तो कुछ भी नहीं, लाइट जलता है, बिल्कुल ही डेड हो चुका है। इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे देखिए, पहले हम मल्टीमीटर से चेक करके देखेंगे इसका वोल्टेज कितना है। देखिए इसका लगभग 3 वोल्टेज आ रहा है और इसका 7 वोल्टेज आ रहा है, 7 वोल्टेज है लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। इसको हम फिर से खोल के उसको बैटरी का पानी डालेंगे और चार्ज करके देखेंगे क्या ये काम करता है सही से। पहले हम ये बैटरी को खोलेंगे। देखिए इसका खोलने का जो तरीका है, यहाँ पर आप लॉक देख रहे हैं, ये इस तरफ से और इस तरफ से एक लॉक है, यहाँ पर बहुत सीलेड है, इस तरफ से भी लॉक है। हम इसको ऐसे ये छोटा सा स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम खोलेंगे। देखिए बहुत ही आसान तरीके से खोलेगा और ये चाकू लेके हम इस तरह से खोलेंगे। देखिए ये पूरी तरह से खुल चुका है, इसमें चिपकाया गया था आठा से, और ये देखिए बिल्कुल खुल चुका है। और हम इसको भी खोलेंगे इस तरह से, देखिए ये भी खुल गया देखिए। और खुलने के बाद हम यहाँ पर आपको देखिए ये ट्यूब के जैसा सील किया गया है, ये ट्यूब को हमको निकालना है आपके मदद से। देखिए ये इस तरह से ट्यूब होते हैं, इस तरह ट्यूब को हमको निकाल लेना है। देखिए इस तरह से ट्यूब को निकालना है और इस साइड में भी हमको निकालना है। ये निकल गया, साइड में भी निकालना है। देखिए ये सब निकल गया। निकलने के बाद यहाँ पर देखिए बिल्कुल ही इसके अंदर में पूरा सूखा है। ये सूखा होने के वजह से ये चार्जिंग, इसमें ड्राई सेल का चार्ज बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। और हम इसमें जो बैटरी वाला पानी होता है, और हम ये बैटरी वाला पानी को हम इसमें देंगे, देखे देखते हैं इसमें चार्ज हो पा रहा है कि नहीं। ये बैटरी वाला पानी हम इसमें देखे देखेंगे, ये ड्रॉपर के मदद से हम ये बैटरी पानी को डालेंगे इस तरह से फुल करके। अच्छी तरह से हम बैटरी पानी को डालने के बाद इसको हम चार्जिंग पे बिठाएंगे। अच्छी तरह से हम बैटरी का पानी इसमें फुल कर लेंगे। अभी देखिए इसमें पानी फुल हो गया और हम दूसरे साइड का रबर का भी खोल लेंगे। दूसरे साइड का रबर खोल के हम इसमें भी उस तरह से वही बैटरी का पानी डालेंगे और दो बैटरी को एक साथ चार्ज करेंगे। दो बैटरी सेम कंडीशन में है और इसमें भी वही बैटरी वाला पानी डालेंगे। बैटरी का पानी डाल के अच्छी तरह से इसमें डालेंगे। अच्छी तरह से डाल के हम फिर से इसको चार्ज पे बिठाएंगे, देखते हैं कितना वोल्टेज चार्ज इसमें आता है। बैटरी का पानी दे दिया, अभी हम चार्ज पर लगा लेंगे। चार्ज पर लगा के देखते हैं क्या इसमें अच्छी तरह से चार्ज हो रहा है। अच्छी तरह से हम इसको चार्ज में लगा के देखेंगे क्या चार्ज हो रहा है। और ये चार्ज 4-5 घंटे के बाद हम देखेंगे। अभी देखिए ये 4-5 घंटे हो चुके हैं और हम इसको चार्जिंग खोल के देखेंगे और उसका रबर लगा लेंगे। रबर लगा के हम देखेंगे चार्ज ठीक से हुआ है कि नहीं, और इसको हम चेक करके देखेंगे। और इसका जो ढक्कन है, हम इसको ढक्कन को लगा लेंगे। अच्छी तरह से ढक्कन को लगा लेंगे। देखिए ढक्कन अच्छी तरह से लग गया और हम बैटरी को नाप के देखेंगे कितना चार्ज हुआ है। देखिए लगभग 10-11 वोल्ट आ गया। आप भी अपने इस तरह से बहुत ही बढ़िया तरीके से आप भी घर में ये UPS का बैटरी को ये बैटरी वाला पानी डाल के आप इसमें बहुत ही काम चलाओ कर सकते हैं। काम चलाओ ये काम कर सकते हैं और ये बैटरी में UPS में यूज नहीं कर पाएंगे दोबारा। आपको सिर्फ लाइट वगैरह जला के उसको टेस्ट करके आप चला सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।